हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल जय सेवालाल जय श्री राम। व्हाट्सअप यू लोली पीपल, आप कैसे हो? एकदम मजे में रहो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यशवंत चौहान व्लॉग। सो दोस्तों, आज मैं और एक मंदिर एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो कि है रसायनी में, और आज मैं खुद यहाँ पे पहली बार आया हूँ। तो रसायनी में आपटा शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है ये मंदिर। आज के ये व्लॉग में जानेंगे आपटा शिव मंदिर के बारे में। सो दोस्तों, आप जो सामने रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता जो है रसायनी आपटा रोड है। यहाँ से आता है रसायनी से और यहाँ से जाता है आपटा फाटा की ओर, और यहीं पे लेफ्ट साइड में ये शिव मंदिर है, आप सामने देख रहे हो। यहाँ पे मेन द्वार है, गेट। यहाँ से हम जैसे अंदर आते हैं, यहाँ पे आपको गार्डन एरिया दिखेगा, और यहाँ पे है चप्पल शूज़ रैक है। यहाँ पे आपको अगर फ्रेश होना है तो यहाँ पे पानी की टंकी है, और यहाँ पे गार्डन एरिया है, यहाँ पे सीटिंग एरिया है, और सामने मंदिर की ओर जाने का रास्ता है। दोस्तों, ये मंदिर का एक खास बात है, जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो शिवलिंग के आकार जैसा है, आप मेरे पीछे देख रहे हो। अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे और मंदिर में क्या क्या है वो हम देखेंगे। अंदर में कौन से भगवान जी के मूर्तियां है वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, जैसे हम एंट्री करते हैं, यहाँ पे नंदी जी है, और आपको साइड में दिखाई देगा मंदिर के अंदर यहाँ पे बहुत सारे बुक्स है, जो अपने ग्रंथ और वेद सारे यहाँ पे बुक्स है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हनुमान जी की मूर्ति है, और दोस्तों राइट साइड में देवी माता की मूर्ति है, और दोस्तों सामने शिवलिंग है, और ऊपर में आप देख रहे हो गणेश जी की मूर्ति है, और साइड में शिव जी की मूर्ति है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे आना है तो यहाँ का टाइमिंग है सुबह 6 से दोपहर के 12 बजे तक, उसके बाद दोपहर के 2 से शाम के 8 बजे तक, और 7:30 बजे यहाँ पे आरती होती है। अगर आपका यहाँ पे आने का प्लान है तो यहाँ पे कैसे आए मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप मुंबई से, पेंट से, वहाँ से आ रहे हो, तो आपको नियर बाय स्टेशन मिलेगा आपटा, जो कि है एक्सप्रेसवे लाइन है, लेकिन पेंट से और पनवेल से दीवा रोवा आपको लोकल ट्रेन मिल जाएगी। वो आपको ट्रेन आपटा स्टेशन आके छोड़ देगी। आपटा स्टेशन के बाहर आपको ऑटो मिल जाएगा। अगर आप ऑटो वाले को बोलोगे आपटा शिव मंदिर जाना है, आपको सीधा यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। आपटा रेलवे स्टेशन से आपटा शिव मंदिर 3 से 3.5 किलोमीटर दूरी पर है। और दोस्तों, अगर आपका पर्सनल व्हीकल से आने का प्लान है, अलीबाग पनवेल रोड से आपटा फाटा पेंट साइड से आ रहे हो, तो आपको राइट मारना है। अगर आप पनवेल साइड से आओगे तो आपको लेफ्ट लेना है। आपटा फाटा से बस 500 मीटर दूरी पर है। अभी हम शिव जी का दर्शन करके आए, और मंदिर से बाहर आकर मैंने यहाँ पे रियलाइज किया कितनी शांतता है यहाँ। तो मेरा यहाँ पे कुछ देर बैठने का मन कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ, अपने काम के लिए थोड़ा फील करता हूँ, कुछ विचारधारा अपना माइंड में आ रहे। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, और आप भी यहाँ पे जरूर विजिट करिएगा। भगवान शंकर की असीम कृपा से
जय ओम प्रकाश तथा उनकी धर्मपत्नी पद्मा रानी ने शिव भक्तों की सेवा में श्रद्धा और प्रेम के साथ यह मंदिर समर्पित किया। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला होता है और आजू बाजू के परिसर से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर 36 साल पुरानी है। सो फार सो गुड, अभी हमारा आपटा शिव मंदिर एक्सप्लोर करके हो गया है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट करते हो नहीं हमारे ब्लॉग के बारे में, क्या अच्छा ही है क्या बुरा ही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, हम उस चीज़ के ऊपर इम्प्रूव करेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, हमें मोटिवेट मिलता है, ऐसे ही हम नए नए व्लॉग आपके लिए हम लेके आएंगे। अभी मैंने एक ट्रिप का प्लान किया है, वो ट्रिप बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं डेली अपडेट देते रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है, यहाँ पे भी मेरी आईडी दिखाई दे रही है, यशवंत फिल्म्स। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और एंजॉय करें। स्टे पॉजिटिव, हार्ड वर्क, मेक इट हैपन।